मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान के तहत इंदौर के जनप्रतिनिधि और अधिकारी बेकमा पहुंचे, जहां उन्होंने नगर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध जनों और नागरिकों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। देखिए यह खास रिपोर्ट। मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान के अंतर्गत गुरुवार को बेकमा के स्थानीय बियाणी गार्डन में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, डॉक्टर निशान खरे, पूर्व विधायक मनोज पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर व कलेक्टर मनीष सिंह ने नगर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, भाजपा, कांग्रेस, सेवा भारती सहित नगर के प्रबुद्ध व गणमान्य जनों के साथ बैठक की, जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देने के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूकता के संदेश भी दिए। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की माने तो कोरोना की यह लड़ाई आत्मविश्वास से लड़ी जा रही है, हम सब मिलकर इसे हराएंगे। हर व्यक्ति लड़ाई आत्मविश्वास से लड़ी जा रही है, निर्भीक होकर निडरता से कोरोना हारेगा, एक दिन हम सब मिलकर इसको हराएंगे। पूर्व विधायक मनोज पटेल के मुताबिक सभी ने निश्चय किया है कि मेरा गांव कोरोना मुक्त हो। बैठक में सभी ने निर्णय लिया है कि लोग खुद अपने गांव को ब्लॉक करें। आज की यह बैठक मेरा गांव कोरोना मुक्त इस अभियान के तहत थी, सर्वदलीय बैठक थी, समाज सेवियों के साथ में बैठक थी। सभी ने यहां निश्चय किया कि मेरा गांव कोरोना मुक्त हो और इस संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, कलेक्टर महोदय, सांसद महोदय, सभी लोग यहां इस बैठक को लेने के लिए आए थे और सबके साथ में सार्थक चर्चा हुई और चर्चा के साथ में यह निर्णय हुआ कि हम अपने अपने गांव को ब्लॉक कर दें। ब्लॉक कर दें मतलब जन समर्थन से ब्लॉक करें, जनता कर्फ्यू जो स्वतः लागू करें अपने अपने गाँव में। और अपने अपने गाँव में किस सबको पता रहता है कि किसको बाहर जाना है, किसको नहीं जाना है, किसको अंदर आना है, किसको नहीं आने देना है, ये गांव वाले स्वतः ही करेंगे तो जो कोरोना की चेन है इसको हम तोड़ पाएंगे। और इसी मेरा गांव कोरोना मुक्त इसी अभियान को जब तक आम व्यक्ति इसमें सहयोग नहीं करेगा, आम व्यक्ति इससे नहीं जुड़ेगा, तब तक यह कोरोना की चेन नहीं टूटेगी। इसलिए आज की यह बैठक मुझे लगता है सार्थक होगी और मेरा गांव कोरोना मुक्त जरूर होगा, मेरे तहसील कोरोना मुक्त जरूर होगी, मेरा जिला कोरोना मुक्त जरूर होगा। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बेकमा।